अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। नमस्कार साथियों, अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के ड्यू डेट्स पास आ गए हैं, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को ये करना होता है कि हमको पैन रजिस्टर्ड करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर। उसमें आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होता है और उसके बाद आधार कार्ड, जो हमारा आधार नंबर है, उसको लिंकिंग करना पड़ता है। ये वीडियो आपको बहुत आसानी से ये बताने वाला है कि पैन कार्ड को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है और आधार कार्ड की लिंकिंग कैसे करनी है हमारे इस लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ, ताकि हमारे रिटर्न्स आसानी से फाइल हो सके और ई वेरीफाई हो सके। ऐसा अगर हम लोग आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं तो रिटर्न फाइल करने के बाद भी जो बैंगलोर में हमको भेजने की ज़रूरत होती थी सिग्नेचर करके, या तो डिजिटल सिग्नेचर हम लोग को अप्लाई करना पड़ता था, अब वो भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉरपोरेट टैक्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड प्लानर। अब इनकम टैक्स की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये समझते हैं कि पैन का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं और आधार कार्ड को कैसे लिंक करने वाले हैं। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, मैं पैन रजिस्ट्रेशन और आधार लिंकिंग का पूरा प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन में जैसे ही लॉग इन करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा, जिसमें देखिए रजिस्टर योर सेल्फ लिखा हुआ है, जिसमें रेड एरो है। आप देखिए, इस रजिस्टर योर सेल्फ को आप क्लिक करिए। ये तब है जब हम नए यूज़र हैं, न्यू यूज़र के रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो जैसे ही हम इसको बटन दबाते हैं तो अगला हम स्क्रीन जो आता है वो हमसे ये पूछता है कि हम क्या हैं। इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अदर देन इंडिविजुअल हैं, एक्सट्रीम एजेंसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर हैं, या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोवाइडर हैं। तो हम इसमें इंडिविजुअल भरने वाले हैं, इंडिविजुअल का डिटेल और रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। तो जैसे ही हम इंडिविजुअल वाला इसमें फिलअप करते हैं तो फिर अगला विंडो जो खुलता है वो देखिए ये आपके सामने में है। तो इंडिविजुअल का जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक कंटिन्यू बटन आता है, कंटिन्यू बटन को आप दबाइए। दबाते साथ फिर वो आपको पैन का इन्फॉर्मेशन भरने के लिए बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में सबसे पहले पैन डाल दीजिएगा, सरनेम डाल दीजिएगा, मिडिल नेम अगर कोई है तो डालिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट नेम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY में डालना है, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, ये डालिए। फिर कंटिन्यू बटन जो लिखा है लास्ट में दिया हुआ है उसको दबा दीजिए। अगला जो स्क्रीन आएगा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए है। इसमें देखिए सबसे पहले हमको यूज़र आईडी हमारा आएगा, जो कि पैन नंबर होता है। फिर सरनेम हमको डालना है, फर्स्ट नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल स्टेटस जो कि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वही सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। फिर पासवर्ड डिटेल, हमको नया पासवर्ड, इन द सेंस जो पासवर्ड हम डालना चाहते हैं वो आप डालिए। कंफर्म पासवर्ड, फिर वही सेम जो आपने पासवर्ड में डाला था उसी को कंफर्म पासवर्ड में डालिए। ये फिलअप करने के बाद नीचे सीक्रेट क्वेश्चन के लिए एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो सबसे पहला सीक्रेट क्वेश्चन आप सर्च कर लीजिए, कौन सा आपको सीक्रेट क्वेश्चन रखना है, उसके बाद उसका एक सीक्रेट आंसर जरूर लिखिए उसमें और उसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। ये हो गया पहला प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन, पहला सीक्रेट क्वेश्चन। उसके बाद एक सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन है। कई बार हम लोग पहला सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं, तो सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन भी यहाँ पर ऑप्शन है। आप सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, उसके बाद उसका सेकेंडरी सीक्रेट आंसर, जो उसका आंसर है सेकेंडरी क्वेश्चन का, वो कहीं पर नोट भी कर लीजिए और यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिए। करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें देखिएगा, जहाँ जहाँ पे रेड स्टार है उसको फिलअप करना ज़रूरी है। तो प्राइमरी मोबाइल नंबर मस्ट है, क्योंकि उसमें OTP जाता है। प्राइमरी मोबाइल नंबर किसका है, खुद का है या किसी और का, ये भरना होता है। तो नॉर्मली खुद का ही मोबाइल सबको डालना रहता है, इसीलिए उस सेल्फ पे आप टिक कर लीजिएगा। फिर प्राइमरी ईमेल आईडी ज़रूर डालिए, क्योंकि ईमेल आईडी पे फिर OTP आता है। और ये प्राइमरी ईमेल आईडी किसका है, तो सेल्फ है तो सेल्फ डाल दीजिए। सेकेंडरी ईमेल आईडी में आप अपने कंसल्टेंट का मेल आईडी या फिर कोई और मेल आईडी अगर आप चाहें तो वहाँ पे डाल लीजिए। सेकेंडरी ईमेल आईडी किसको बिलोंग करता है आप इसको भी डाल सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा सेकेंडरी ईमेल आईडी ऑप्शनल है, वहाँ पर रेड स्टार नहीं दिख रहा है। तो आपकी मर्जी है कि उसको भरना है कि नहीं भरना है।
फिर इंडिविजुअल का जो एड्रेस है नीचे वो इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, जो फ्लैट डोर बिल्डिंग होगा, रोड स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी पिन कोड डिस्ट्रिक्ट सिटी स्टेट, ये सारी चीज़ों को आप फिलअप कर लीजिए। जैसे ये हो जाता है तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्क्रीन खुलता है जिसमें वो ये कहता है कि OTP भेज दी गई है जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने दिया था। तो आप अपना ईमेल आईडी भी खोल लीजिए और मोबाइल में भी ओपन कर लीजिए, मैसेज आया होगा। तो जो OTP ईमेल में है उसको ईमेल OTP में फिलअप करना होगा और जो OTP मोबाइल में आपकी आया है उस OTP को यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। फिर वैलिडेट बटन दबाइएगा और जैसे ही आप वैलिडेट बटन दबा देंगे तो फिर ये आपका वैलिडेशन और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में आधार लिंकिंग का देखिए, हम इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in में फिर से क्लिक करेंगे, एकदम शुरुआत की पेज में फिर से आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में देखिए जो सेकंड लिखा हुआ पॉइंट वो है लिंक आधार। आप आधार लिंक के बटन को जैसे ही दबाते हैं तो नेक्स्ट पेज जो खुलता है उसमें पैन नंबर फिर से फिलअप करिए, आधार नंबर डालिए, आधार में जो नाम लिखा हुआ है स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी मत करिएगा, वो आधार में नाम लिखिए, और उसके बाद इमेज को जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्चा वो कैप्चा को फिलअप कर दीजिए और लिंक आधार बटन को क्लिक कर दीजिए। आपका आधार लिंक हो गया है। धन्यवाद। तो साथियों आपने ये देखा कि किस तरीके से पैन को रजिस्टर्ड करते हैं, पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं और आधार कार्ड से कैसे उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। ये पूरा वीडियो अगर आराम से देखा जाए तो आसानी से ये वाला काम सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर में बिल्कुल हो सकता है। मैं दीपंकर समझदार, मैंने कसम खाई है, आप सबको पता है कि भारत में इनकम टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, GST हो या कोई कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल, ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। बार बार बसता रहूंगा, याद आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।